हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने आईआईटी एग्जाम का एग्जाम दिया, मास्टर्स अपना एक अच्छे आईआईटी से किया या एनआईटी से किया, तो उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास क्या हैं, किस किस तरह के जो जॉब्स हैं वो हम ले सकते हैं, क्या वो कैरियर जो कैंपस प्लेसमेंट्स हैं वो मिल सकते हैं हमें, क्या गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती हैं, क्या किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है आईआईटी जाम के बाद में, इसकी बात करने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ कुछ जो ये चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है, हमारे पास ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स भी आपको मिल सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की अच्छी स्कोप होती है, और रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, लाइक मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे यहाँ आईआईटी रोपड़ में अगर ऑन कैंपस की बात करें तो काफ़ी, मतलब लाइक 21 का हमारा बैच था, तो उसमें से 11 12 जो थे वो उनका ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस मिला के प्लेसमेंट वहीं पे हो गया था। प्लेसमेंट कहाँ पे होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास पॉसिबल हैं। और सबसे पहले अगर हम ऑन कैंपस की बात करें तो हमारे पास किस किस तरह की चीज़ें होती हैं। इंस्टीट्यूट, सबसे पहली जो मेजर चीज़ होती है वो होती है कोचिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले जैसे ही आपका जो थर्ड सेमेस्टर के बाद, जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होता है आपका, वैसे ही वहाँ पे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आना शुरू कर देते हैं। और कौन से इंस्टीट्यूट? कोचिंग इंडस्ट्री, मतलब बड़ी बड़ी जो भी कोचिंग्स हैं वो आना शुरू कर देती हैं। और वहाँ पर आपका प्लेसमेंट का एक लंबा प्रोसेस होता है। होता क्या है वास्तविकता में, सबसे पहले आपको जो एक वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जहाँ से सारे जो कॉलेज वाले हैं वहीं कराते हैं सारा काम। ठीक है, ऑन कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो आपको वहाँ पे सारा काम, मतलब लाइक वेबसाइट पे आपका सारा सीवी वगैरह अपलोड कराया जाएगा। फिर जो भी कंपनीज आएंगी, कंपनीज क्या, कोचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, लाइक हमारे यहाँ जो आई थी इस बार फिजिक्स वाला, आकाश और एलएन वगैरह, जो भी इंडस्ट्रीज आती हैं वो उस वहाँ पर आपका बेसिकली देखते हैं किस तरह से कैसा क्या है। उसके बाद आपका एक रिटर्न टेस्ट वगैरह होता है, मतलब सबसे पहले फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके बाद आपका एक रिटर्न टेस्ट होता है। और उस रिटर्न टेस्ट के बाद में जो है वो सारी चीज़ें शुरू होती है, आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। ठीक है, ये सब कुछ कब सब कुछ करते करते लास्ट में फिर आपका वही ये प्रोसेस काफ़ी लंबा जाता है। ठीक है, प्रोसेस काफ़ी लंबा जाता है और उसके बाद में आपका ये प्लेसमेंट हो पाता है। अगर हम कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें जो आपकी सैलरी है वो अराउंड 7 to 8 lakh पर एनम के हिसाब से होती है, मतलब जो एवरेज पैकेज में बता रहा हूँ। ठीक है, वैरी कर सकता है कि आप किसी का ऊपर जा सकता है, किसी का नीचे आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कोचिंग इंडस्ट्री, मतलब किस कोचिंग की या किस इंस्टीट्यूट ने आपको उठाया है, उस हिसाब से ये जो पैकेज है वो वैरी कर सकता है। दूसरा जो फील्ड है वो है इंडस्ट्रियल फील्ड, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाती हैं, लाइक ऑप्टिक्स के कंपोनेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हो गए, वो जो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की या जो ऑप्टिक्स की जो भी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो आपको उठाती हैं और वो आपको एक अच्छा खासा पैकेज देती हैं। वहाँ पे आपका पर मंथ जो होता है वो 60-70 हज़ार के आसपास आपको आराम से मिलता है। ये चीज़ें इंडस्ट्रियल में होती हैं। और लास्ट चीज़ क्या है, स्किल स्पेसिफिक। ठीक है, स्किल स्पेसिफिक का मतलब क्या है, लाइक आपने कोई एक एडिशनल जो स्किल है वो सीखी हुई है, लाइक आपने कोडिंग करी हुई है। ठीक है, आपने, अब मेरे यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि हमारे यहाँ जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इन चीज़ों को लेके मतलब काफ़ी इन्वॉल्व रहता था, कि वहाँ पे जो काफ़ी बच्चे थे वो कोडिंग वगैरह में या डाटा एनालिसिस में काफ़ी अच्छे थे, तो वहाँ से उनका काफ़ी अच्छा पैकेज लगा। एक बंदा था उसका जापान में उसका प्लेसमेंट हुआ था और अच्छा खासा था, उसका 30 लाख के ऊपर का कुछ पैकेज था, मतलब एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, बट कुछ इस तरह का पैकेज होता है। तो आपकी अगर कोई स्किल है जिस पे आप काम कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आईटीज का एक फायदा होता है कि वहां पे आप कोर्सेज ऑडिट कर सकते हो। बात समझ रहे हो, कोर्सेज ऑडिट करने का मतलब क्या है, कि वहां पे जैसे आपका मान लो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आप कोर्सेज ऑडिट कर सकते हो। वहां पे क्या होता है कि आपके जो भी कोर कोर्सेज हैं, लाइक 2 या 3 जो भी कोर कोर्सेज हैं, उनके अलावा आप उसमें एक लिमिट होती है कि लाइक आप 7 से 8 कोर्सेज जो हैं वो ऑडिट कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर लो बहुत बेटर होता है वहाँ पे। तो आप कोई ऐसा कोर्स जो कि स्किल स्पेसिफिक हो, जहाँ से आप अपनी कोई स्किल डेवलप कर सकते हो, तो इस तरह के कोर्सेज में अगर आप जाओगे तो वहाँ से आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो खुल जाएंगी। ठीक है, तो स्किल स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उन पर काम करना मतलब बहुत ज़रूरी। इस तरह की कंपनी जो है वो भी आपका आती हैं और अच्छा खासा पैकेज देके जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का मतलब क्या है, किसी वेबसाइट ने, मतलब किसी कोचिंग, जनरली कोचिंग इंडस्ट्री से करती है, कोचिंग इंडस्ट्री ने अपना एक मतलब ग्लोबल फॉर्म निकाला। ठीक है, सारी आईआईटीज को उन्होंने भेज दिया, मतलब कहीं भी आईआईटी, क्या आपकी पर्सनल मेल पे उन्होंने भेजा।
अब क्या है, जैसा प्रोसेस आपने ऑफ का सॉरी ऑन कैंपस पे किया था, सेम वैसा ही कैंप जो प्रोसेस है पूरा वो आप ऑफ कैंपस के लिए करोगे। सारा वही सीवी बनाओगे अपनी, वहाँ पे दोगे, ठीक है, मतलब वो आपका उसी वेबसाइट से भी उठा सकते हैं। और सेम आप उनको लेक्चर रिकॉर्ड के, मतलब करना क्या होता है उसमें, लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपने भेजने होते हैं, डेमो लेक्चर्स। उसके अलावा आप इंटरव्यू के लिए, पहले एक तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है जो डायरेक्टली आपका लैपटॉप पे होता है, और दूसरा इंटरव्यू होता है जब आप जाते हो वहाँ पे, लाइक दिल्ली वगैरह में इनके जो इंटरव्यूज़ हैं, इनके जो सेंटर्स हैं बड़े बड़े, वहाँ पर इनका जो ऑफलाइन इंटरव्यू है वो भी होता है, वहाँ पर भी आपसे एक डेमो क्लास ली जाती है। तो उस बेसिस पे आपके प्लेसमेंट जो है होते हैं। इस बार भी हमारे यहाँ से लाइक, मतलब जो IIT रोपड़ की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ से काफ़ी प्लेसमेंट ऑफ कैंपस भी हुए थे। तो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस कोचिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा, मतलब 7-8 लाख से कम का पैकेज नहीं होता है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब्स की, ये एक अच्छी फील्ड है। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स का क्या सीन है कि यहाँ पे सैलरी ऑब्वियसली, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जॉब में डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो बट यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो आपका होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट का, ठीक है, यानी PSUs। इसमें होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो कंपनीज होती हैं वो आपको उठाती है, लाइक इंडियन ऑयल वगैरह हो गया, ये आपको उठाती है, और वहाँ पे एज आप जो साइंटिफिक ऑफिसर हैं वो वहाँ पे एज अ आप काम करते हैं। तो यहाँ पे भी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का जॉब्स है, अच्छी कंपनीज होती हैं वो आपको उठाती हैं। और ये बेसिकली मैं MSc के बाद की बात कर रहा हूँ, ये कंपनीज मैंने वो लिखी हुई जो आपको मास्टर्स के बाद डायरेक्टली मिल सकती हैं। इसके बाद क्या, बार के जा सकते हो, बार का एग्जाम होता है आपका वही जैन फैब के आसपास में, तो वहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके हिसाब से आप जूनियर असिस्टेंट वहाँ पे बन सकते हो बाग में, और आपके पास एक अच्छा स्कोप बन सकता है, ठीक है। बाग में आप अगर जाते हो तो आपका एक जो बेहतर स्कोप है वो यहाँ से निकलने के चांसेस होते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे जाना, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी अपना अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यहाँ पे गया, यहाँ पे भी आपको ग्रुप एक की साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब मिल सकती है, बट इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आपका मिनिमम 65% होना चाहिए जो मास्टर्स है, ठीक है, 65% तो मिनिमम चाहिए चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपका ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मतलब यहाँ पे क्या फूड वूड का काम होता है, मतलब जहाँ पे आपको साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर रखा जाता है, यहाँ पे फूड की क्वालिटी वगैरह चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, और यहाँ पे भी अच्छा खासा पैकेज होता है, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी आप एज अ साइंटिफिक, मतलब ये सारी जॉब्स जो हैं गवर्नमेंट जॉब बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इनके फॉर्म्स आते हैं और आप अप्लाई कर सकते हो एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद एज अ जियो फिजिसिस्ट भी आप अपना काम कर सकते हो, UPSC का एग्जाम कराता है जियो फिजिसिस्ट का, तो यहाँ पर भी आप साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे चुने जा सकते हो अगर आप जियो फिजिसिस्ट के लिए आप एग्जाम देते हो, ठीक है। तो ये बात हमने करी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, और क्या बात कर सकते हैं, और हम इसमें बात कर सकते हैं कि इसके बाद जो भाई देखो मास्टर्स तक हमारे यहाँ पे स्कोप था, इसके बाद क्या है आप PhD के लिए जा सकते हो। PhD के बाद और भी स्कोप आपके खुल जाते हैं, मतलब देखो PhD के बाद एक चीज़ होती है कि आपको ऑन कैंपस या मतलब बेसिकली ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है इसमें, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस इस तरह से प्लेसमेंट नहीं होता है। इसमें क्या है, आप जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मैंने अभी बाग की बात करी, ठीक है, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करी, बाग की बात करी गई, ठीक है, यहाँ मतलब बेसिकली बार्क और आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरे अभी एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा जो मैंने पहले बताया, और इसके अलावा भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको वहाँ पे रिसर्च का काम दे सकते हैं, और वहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट आपको पे किया जाता है, मतलब बेसिकली साइंटिस्ट की जॉब डायरेक्टली बोला जाए, साइंटिस्ट की जॉब के लिए आप PhD करो, फिर उसके बाद भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। लाइक मैंने क्या बात करी कि अगर हम IIT जैम का एग्जाम देते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास 3-4 ऑप्शन खुल गए, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ठीक है, इस तरह से चीज़ हो सकती है। इसके अलावा या तो फिर आप PhD के लिए जा सकते हो। PhD में क्या आपके पास फिर तो वही 4-5 साल जो सॉरी 5-6 साल का जो भी आपका चल रहा है PhD में चलेगा, और उसमें आपका ऑप्शन क्या क्या होते हैं, CSIR, NET, GRF या गेट के थ्रू भी आप जा सकते हो, या जस्ट भी कुछ इंस्टीट्यूट्स आपका उठाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप PhD में एनरोल कर सकते हो, और उसके बाद भी आपका एक अच्छा खासा कैरियर बन सकता है, ठीक है। तो आज मैंने बात करी कि किस तरह से हम लोग जो मास्टर्स है, मास्टर्स के बाद की जॉब्स जो है उनको सिक्योर कर सकते हैं, और किस किस तरह से उसमें एनरोल किया जाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आती है, उसकी नोटिफिकेशन में आपको आगे चल के देता रहूँगा, ठीक है, और कोशिश करो कि
कि थोड़ा सा एक्टिव रहो इन चीज़ों में कि मेरे को किस इंस्टीट्यूट में या किस जगह पे मेरे को अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।